केजरीवाल सरकार जो डायरेक्ट सरकार से कॉन्ट्रैक्ट में उनको निकालने का एक प्लान बना रही है। आप किसी भी रूट पर देखिए गाड़ियों की संख्या बहुत कम है, दिल्ली की जनसंख्या उसके हिसाब से गाड़ियां नहीं है। सरकार पहले बातों करती थी, सबसे बेशर्म सरकार है जो आज 23 मार्च है, उन शहीदों ने जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी उनका बिल्कुल सरासर अपमान कर रहे हैं लोग। जो अभी इलेक्ट्रिक बस में जो ड्राइवर आए हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक निजीकरण के खिलाफ हम आज का हमारा प्रदर्शन है ये, और DTC एक टाइम में दिल्ली की लाइमलाइन थी जिसको खत्म करते जा रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे DTC के जितने भी कर्मचारी हैं, जो DTC बसें चलाते हैं, वो लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटीकरण जो है, निजीकरण, इसको बंद किया जाए। निजीकरण से इन लोगों को दिक्कत है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी पे रखा जाए, हम लोगों की नौकरी पक्की की जाए। तो हम आए हैं DTC की, बड़ी तेजी से निजीकरण केजरीवाल सरकार करती जा रही है, और तमाम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जो वादा किया था उन्होंने कि तमाम कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, लेकिन ये दूसरे टर्म की उनकी सरकार है, उन्होंने DTC कर्मचारियों को कुछ नहीं किया। वेतन में भी इतनी अनियमितता है कि कर्मचारी परेशान हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, ऑफिसर जो है जिस तरह से उनका दमन कर रहे हैं, उसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ हम आज का हमारा प्रदर्शन है ये, और हम आज के प्रदर्शन में ये बताने आए हैं। आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया? नहीं, निकाला नहीं गया है, नौकरी हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हर साल होता है, लेकिन आज तक उन्होंने किसी भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया। इसलिए हमारी मांग है कि आप अपना वादा पूरा करिए और तमाम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करिए, और DTC का जो निजीकरण का आपने रास्ता लिया है उसको बंद करिए, नई गाड़ियां मंगाइए। DTC एक टाइम में दिल्ली की लाइमलाइन थी जिसको ख़त्म करते जा रहे हैं। जनता का पैसा क्लस्टर को दे रहे हैं, लेकिन DTC को नहीं दे रहे हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया है, और जो है कुछ लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिन लोगों के कुछ डिपो में जो क्या नाम है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं, तो वो ड्राइवर भाई, कंडक्टर भाई, वो अपने घर पे वापस जा रहे हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो लोग लगे हुए हैं उनका अपना अधिकार मिलना चाहिए। कितने दिनों से, कितने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे बसों में? मैडम जी, हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमारे कुछ पुराने वर्कर हैं, तो वो उनके हालात 14-15 साल से भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, और अभी हालत ये आ गई है कि जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, इलेक्ट्रिक बसों में बाहर से कर्मचारी लिया जा रहा है, जबकि गाड़ियों को प्रचार करे कि मैंने DTC के लिए गाड़ी खरीदी। तो टोटल जितनी इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियां हैं इसमें बाहर से कर्मचारी लिया जा रहा है, जिसके कारण DTC के कर्मचारी को दिक्कत आ रही है कि उनका रिन्यूअल नहीं लिया जा रहा, उनको धीरे धीरे करके घर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ जहाँ कई राज्यों में कर्मचारी पक्के हुए हैं, वही कर्मचारी पक्के हुए हैं जो डायरेक्ट सरकार से कॉन्ट्रैक्ट में थे, और ये केजरीवाल सरकार जो डायरेक्ट सरकार से कॉन्ट्रैक्ट में उनको निकालने का एक प्लान बना रही है कि जब रिन्यूअल नहीं लेंगे तो अपने आप बाहर चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक जो बस चल रही है, जो गैस पे चल रही है, वो दोनों के ड्राइवर्स अलग अलग है, और आप लोग चाह रहे हैं कि आप ही लोग को उस पे बहाल किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो CNG बसें हैं उसमें अभी तक DTC का कर्मचारी है जो किलोमीटर पे काम करता है, और जो इलेक्ट्रिक बस आ रही हैं उसमें कंपनी से लिया गया है, जबकि उसमें एक और बड़ी दिल्ली की जनता के लिए खतरा है कि अगर उनका लाइसेंस चेक किया जाए, कि DTC जब ड्राइवर भर्ती करती थी 3 साल का एक्सपीरियंस होता था उसके पास, और जो अभी इलेक्ट्रिक बस में जो ड्राइवर आए हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 1-1 साल का पुराना लाइसेंस है उनको ड्राइविंग करने का। ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा ड्राइवर की संख्या दिल्ली में कम है, तो इसीलिए जो ऐसे जिनको एजुकेटेड भी नहीं है और जिनके पास लाइसेंस की भी वैधता पूरी नहीं करते हैं, उन कर्मचारियों को इसी में रखा जा रहा है। नहीं तो दिल्ली की जनता तो बहुत खुश है कि केजरीवाल अच्छा काम कर रही है और आप लोग धरना दे रहे हैं। नहीं मैडम जी, ये तो देखो न्यूज में दिखाने से जनता खुश नहीं होती। आप किसी भी रूट पर देखिए गाड़ियों की संख्या बहुत कम है, जहाँ भी देखोगे आप, आपको हर स्टैंड पे भीड़ मिलेगी। तो गाड़ियाँ तो चल रही है, बहुत सारी
नहीं है, बसें गाड़ियाँ चलने से नहीं होता, जो गाड़ियों की दिल्ली की जनसंख्या है उसके हिसाब से गाड़ियाँ नहीं है। हाँ, और जो पुरानी गाड़ियाँ हो चुकी हैं उनमें इतनी जान नहीं बची। आप देखोगे दिल्ली का एक दिन भ्रमण करो कि हर रूट पे आपको 2-3 गाड़ी ब्रेकडाउन मिलेंगी। और अभी अगले महीने से देखोगे सर्वे करोगे तो वो संख्या और बढ़ जाएगी। आप लोग अभी पहली बार धरने पे आए हैं या इससे पहले भी आए थे? नहीं मैडम जी, जगह जगह करते रहते हैं। आज सरकार क्या क्या आश्वासन दिया है सरकार? सरकार ये इससे पहले भी सरकार रही है, सरकार पहले बातों करती थी, सबसे बेशरम सरकार है जो कर्मचारी जो है बात भी करके खुश नहीं है। तो कर्मचारी जो है बात नहीं कर रही है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर बात करे तो समस्याओं का सलूशन निकले कुछ, पर ये कर्मचारियों से, ये सरकार कर्मचारियों से बात नहीं कर रही है। नहीं तो आपको प्राइवेटीकरण से क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार भी तो प्राइवेट कर रही है, निजीकरण कर रही है। ये तो मैडम जिस सरकार के हाथ में जो कुछ वो बेच रही है, देश के विक्रेता आ गए यहाँ सरकार में। आज 23 मार्च है, उन शहीदों ने जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी उनका बिल्कुल सरासर अपमान कर रहे हैं ये लोग। उन्होंने इस देश को निजीकरण के लिए नहीं आजाद करवाया था, इस देश की जनता को अधिकार देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, अपनी बलिदान दिया था। और ये सरकार जो आज बैठी है उनका पोस्टर तो लगा। कौन सी सरकार? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, अब अपने स्थल पे दोनों ने अपने सरकारी संस्थाओं को बेच रही है। तो हमें शिकायत दोनों से है। तो आप लोग उसके यूज्ड टू हो जाइए, क्योंकि अब तो दोनों ही सरकार बेच रही है, प्राइवेटीकरण कर रही है, तो आप लोग खुश रहिए उसी में। खुश क्यों रहे हैं? जब देश की जनता जब बोलते थे इस देश के पास पैसा नहीं है, जब इस डिपार्टमेंट के अंदर 80,000 कर्मचारी पक्का था और उनको पेंशन भी मिलती थी, कैशलेस सुविधाएं भी मिलती थी, आज क्या है? सरकार कह रही है हम 5वीं इकोनॉमी में हो गए, तो कर्मचारी के पास क्या है, आम जनता के पास क्या है, मुझे बता दो, उसका जवाब दो कि जब पैसा नहीं था जब हर कर्मचारी पक्का था। आप लोग के जो वेतन है उसको कम कर दिया गया है? मैडम जो आदमी कर्मचारी 15 साल से काम कर रहा है उसको भी वही पैसा मिल रहा है, और जो कर्मचारी आज आया है उसको भी वही पैसा मिल रहा है। तो जो 15 साल से काम कर रहा है क्या उसका पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए? दिल्ली में शिक्षा अच्छा है, दिल्ली में सुविधाएं अच्छी है, दिल्ली में महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, और क्या चाहिए? मैडम जी ये देश में जिन्होंने संविधान बनाया महिलाओं को बहुत कुछ देके गई है, वो लेट मिला है, लेट मिला है, और अभी जो कुछ भी मिला बहुत कम मिला है, बहुत कम मिला। आज भी देखोगे क्या महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं होती, क्या बलात्कार नहीं होते उनके साथ? क्या वजह है? वजह तो ये है कि शिक्षा की कमी इस देश में। अभी अगर शिक्षा होगी तो हर आदमी को समझ सकता कि सामने वाले की क्या औकात, मेरी क्या औकात है, मैं कैसा मानवता का व्यवहार करना चाहिए। सरकार शिक्षा में तो बहुत आगे है। मैडम प्रचार करने से कुछ नहीं होता, जहाँ पहले बच्चे 6-6 घंटे पढ़ते थे आज 3 घंटे की क्लास लेके अपने घर जा रहे हैं। स्कूलों का सर्वे करो, इतना लोड है जितने स्कूल होने चाहिए उतने स्कूल नहीं है। आप किसी भी स्कूल के सामने खड़े होइए, एक स्कूल में 3-3 शिफ्ट चलती हैं, तो कितने घंटे इस बच्चे को पढ़ाया, कैसे अच्छे हो गए? कुल मिला के आप किसी भी नीतियों से खुश नहीं है दिल्ली सरकार? मैडम जब बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले कम से कम 8 घंटे का समय मिलता था, आज 3 घंटे में क्या वो शिक्षा कैसे अच्छी होगी? 3 घंटे में क्या पिला उनको पिला दिया तो 3 घंटे में शिक्षा अच्छी होगी? लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि विदेशों में भी उनकी तारीफ की जा रही है, शिक्षा नीति जो वो लोग दे रहे हैं उनकी तारीफ विदेशों में भी हो रही है। मैडम अपने मुंह में मिठू मियां है, उनके कहने से नहीं हो जाता। आम जनता ने में जाइए, आप स्कूलों में पूछिए बच्चों को आता क्या है, तो 3 घंटे में कुछ नहीं होता है, 3 घंटे में 3 ही क्लासेज होंगी, बाकी के सब्जेक्ट कहाँ जाएंगे, उसको किस समय पढ़ाएंगे? सिर्फ बिल्डिंग दिखाने से कुछ अच्छा नहीं होता। तो अभी आप लोगों की क्या मांगे, क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को परिवहन, परिवहन दिल्ली की एक लाइफ लाइन रहा है, परिवहन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी राज्य अच्छे से नहीं चल सकता। तो हम चाहते हैं सबसे पहले कि परिवहन की व्यवस्था तो ठीक करे, गाड़ियों की संख्या बढ़ाए, और जो कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहा है उनको अच्छी सुविधाएं दें, ताकि मानसिक टेंशन में वो काम ना करें कि आज 20,000 में क्या होता है। परिवहन तो ठीक है, मेट्रो चल रहा है, बसें जितनी सारी 10,000 बसें चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें। मैडम जी क्या हर घर तक मेट्रो जा सकती है? उसकी जरूरत को पूरा DTC कर सकती है,
और उस गाड़ियों को चलाने के लिए अच्छे चालक चाहिए। आपने पहले देखा होगा इस देश में रेड लाइन ब्लू लाइन आई थी, उन्होंने दिल्ली को लाल रंग में रंग दिया था, खून से रंग दिया था। आज भी ऐसे चालकों की भर्ती हो रही है कि आने वाले टाइम में यही खून में रंग दिया था। मतलब क्या कहना मैडम, जब इस राज्य में रेड लाइन और ब्लू लाइन चलती थी, हर रोज एक्सीडेंट होते थे और एक नहीं पूरी की पूरी पब्लिक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती थी। पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखिए, इसी कारण यहाँ से रेड लाइन और ब्लू लाइन को भगाया गया था और डीटीज की संख्या बढ़ाई गई थी। तो सरकार अब फिर वही दूसरे तरीके से कर रही है कि प्राइवेट गाड़ियां लेके आ रही है, उसमें अनुभवी चालक नहीं है। तो प्राइवेट गाड़ियां आ रही है तो महिलाओं को सुविधा तो मिल रहा है मैडम? सुविधा नहीं होता क्या? जान की कीमत कुछ नहीं है? जब अनुभवी चालक नहीं होंगे उसमें तो पब्लिक की जान खतरे में है। डीटीसी का चालक अपने पूरी की पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करता है, कोई भी चालक ऐसा भर्ती नहीं होता जिसे 3 साल का अनुभव ना हो, और वहाँ पे जिनके पास खाली 1 साल का पुराना लाइसेंस है, अनुभव की तो बात ही नहीं। आप लोगों को अभी क्या चाहिए? लास्ट सवाल है कि आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है, क्या चाहते सरकार? हमारी मांग है कि दिल्ली का परिवहन व्यवस्था ठीक कीजिए, गाड़ियों की संख्या बढ़ाइए और अनुभवी जो ड्राइवर हैं डीटीसी के, इलेक्ट्रिक बसें आई हैं उनमें डीटीसी का चालक होना चाहिए, ताकि जनता भी सुरक्षित रहे और अच्छी सर्विस दे सके। आज भी आप जाके देखोगे पब्लिक में जो आपकी क्लस्टर की बसें हैं, हाथ देते रहते हैं लोग, वो गाड़ियां नहीं रोकते। आप पब्लिक से पता करिए जाके, पर डीटीसी का जब चालक बैठता सीट पे वो किसी को छोड़ के नहीं जाता। तो हर जगह गाड़ियां नहीं रुक सकती ना, कहीं स्टॉपेज बना हुआ है, स्टॉप पे रुकेगी मैडम? स्टॉपेज बना है, स्टॉपेज की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। स्टॉपेजों पे गाड़ी नहीं रोकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई ना तो कोई क्लासेज लीजिए है, ना कोई उनको ड्राइविंग का अनुभव है, और ना उनको जैसे मतलब आप लोग उस बस चालक के खिलाफ है जो बसें चला, के खिलाफ नहीं, सरकार की व्यवस्था के खिलाफ है कि सरकार ऐसे लोगों को भर्ती कर रही है कि जिनके पास अनुभव नहीं है। आपको क्या लगता है, इनकी मांगे पूरी होंगी? जो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।